सैमसंग गैलेक्सी 24 इस बार पहले ही आ जाएगा। बाजार में इसके बारे में कुछ अफवाहें और लीक्स हैं, और इस वीडियो में मैं इन सभी अफवाहों और लीक्स पर चर्चा करूंगा। कुछ लीक्स आपको उत्साहित कर सकते हैं, जबकि अन्य आपको निराश कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। सैमसंग गैलेक्सी S24 फर्स्ट AI स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें AI फीचर्स होंगे, जो आपके कॉल और संदेशों को तुरंत आपकी पसंदीदा भाषा में बदल सकते हैं। इसके अलावा इसमें ChatGPT जैसे बिल्ट इन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी होने की अफवाह है, जो तुरंत राइटिंग और अदर वर्क में मदद कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमें लगता है इस बार सैमसंग गैलेक्सी S24 टाइटानियम से बना हो सकता है। मैं यह नहीं जानता कि क्या सभी वेरिएंट्स में या केवल S24 अल्ट्रा में होगा। यह देखने के लिए हमें वेट करना होगा। टाइटानियम का यूज फोन को अच्छा बनाएगा और यह आईफोन 15 के तरह दिखेगा। इसमें मैट फिनिशिंग होगी, जिससे सैमसंग S24 और भी प्रीमियम लगेगा। आने वाले S24 में लगभग S23 से 50% कम बेजल होंगे। जब आप S22 और आने वाले S24 की तस्वीरें देखते हैं, तो आपको यह स्पष्ट अंतर दिखेगा। इसका मतलब है कि S24 के साथ आपको एक बड़ी और अट्रैक्टिव स्क्रीन मिलेगी। डिजाइन के मामले में मेरे पास लिमिटेड अपडेट हैं, लेकिन जब फोन कैमरे की बात आती है तो कुछ अविश्वसनीय बदलाव आ रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज में आप पहले ही 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन आने वाले S24 में 4x जूम के बाद भी आप 4K में ही रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। अगर आप कॉन्सर्ट में जूम करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। वास्तव में आप इस तरह की क्वालिटी किसी अन्य फोन में नहीं पाएंगे। अगला कैमरा अपडेट आपको एक समय पर क्लोजअप और फुल स्क्रीन वीडियो एक साथ लेने का फीचर देगा। गैलेक्सी S24 में हर वीडियो का एक क्रॉप्ड और फुल वर्जन होगा, और ये फोन गैलरी में अलग अलग सेव होगा। इसके अलावा सैमसंग ऑटोमेटिक सब्जेक्ट ट्रैकिंग को ऐड कर रहा है, जो AI पर आधारित होगा। यह फीचर आपको आसानी से AI की मदद से फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पर जूम और रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। सैमसंग इसे ISOCELL Zoom Anyplace कहता है। इन अपडेट्स के साथ आने वाले S24 में एक थोड़ी निराशाजनक कैमरा अपडेट भी है। 10x जूम की बजाय इसमें 5x जूम होगा। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट से देखते हैं, 10x जूम में 10 मेगापिक्सल कैमरा था, सैमसंग S24 50 मेगापिक्सल कैमरा है, यानी फोटो और वीडियो क्रिस्प एंड क्लियर होंगे। इसके अलावा अच्छी न्यूज है, सैमसंग S24 में एक शटर लैग को लाने जा रहा है। इसे हासिल करने के लिए वह एक एंड टू एंड रिमोजेक ला रहा है। पहले तस्वीर लेने के बाद फोटो प्रोसेसिंग एक लाइन में एक के बाद एक होती थी, लेकिन अब यह पैरेलली होगा, जिससे प्रोसेसिंग तेज होगी। डिस्प्ले के मामले में मोस्ट एस्पेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन कुछ बदलाव होंगे, जैसे कि ब्राइटनेस लेवल। S23 में 1750 nits थे, जबकि आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S24 में इसे 2500 nits तक बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको ब्राइट स्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा S24 अल्ट्रा में स्क्रीन और भी फ्लैट हो सकती है, और संभावना है कि आपको डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की बजाय 144 हर्ट्ज की मिलेगी, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती है। अब प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ सैड न्यूज हैं। एक्सिनोस CPU फिर से वापस आ रहे हैं। ये बेस और प्लस मॉडल में उपलब्ध होंगे, जबकि अल्ट्रा मॉडल में स्नैपड्रैगन जेन 3 रहेगा। स्नैपड्रैगन जेन 3 पिछले मॉडल और सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर से बेहतर है। S24 के रिलीजिंग डेट और वेरिएंट्स के बारे में चर्चा करें तो सैमसंग S24 यह 17 जनवरी को लॉन्च और 25 जनवरी के आसपास सेल के लिए उपलब्ध होगा। सामान्यतः यह लॉन्च फरवरी में होता था, लेकिन इस बार यह पहले हो रहा है। वेरिएंट्स के मामले में इस बार सैमसंग S24 अल्ट्रा में 16GB रैम और 2TB इंटरनल स्टोरेज होने की रूमर थी। ये रूमर झूठी साबित हुई। स्टोरेज और रैम पिछले मॉडल S23 के समान रहेगी। प्राइस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज का USA में प्राइस S23 जैसा ही रहेगा। हालांकि कुछ देशों में आर्थिक स्थितियों और अन्य कारणों से प्राइस चेंज हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन के लीक्स के बारे में इतना ही। अगर फ्यूचर में लॉन्च से पहले कोई नई अपडेट आती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको यह पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।